हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्लिंग प्रभास, कमल हसन जी, अमिताभ बच्चन जी और दीपिका पादुकोण की मच वेटेड अपकमिंग मूवी कालकी को लेकर। फ्रेंड, हम सब प्रभास सरना की मूवीज को ट्रोल भी करते रहे हैं और काफी मजाक भी उड़ाते रहे हैं कि जब तक प्रभास सरना की मूवी का कॉन्टेंट डिले नहीं कर दिया जाता तब तक वो प्रभास सरना की मूवी नहीं मानी जाती। आपको याद होगा कि अधिपुष की बार काफी डिले किया गया मूवी को, फिर सलार की बार काफी डिले किया गया, कोई कॉन्टेंट शेयर नहीं किया था, और अभी कालकी के साथ भी आज तक ऐसा ही हो रहा था। लेकिन आई थिंक आपकी जो सारी नेगेटिविटी थी, जो आपके गिले शिकवे थे, वो सब कालकी के मेकर्स तक पहुंच चुके हैं। और यही कारण है कि अभी जो ऑलमोस्ट 48 डेज रहते हैं, जो 6 वीक्स रहते हैं कालकी की रिलीज डेट को लेकर, इतनी बढ़िया प्रमोशन प्लानिंग कर रखी है कालकी के मेकर्स ने कि आपको अभी से गूज़बम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड, इस टाइम लोगों को तीन चीजों का वेट है कालकी का देखने का, एक भैरवा का इंट्रो सीन, एक कालकी का ट्रेलर, एक कालकी का फर्स्ट सॉन्ग। आज के स्टूडियो में हम आपको दो कंटेंट्स का जरूर बता सकेंगे कि आपको भैरवा का इंट्रो सीन कब देखने को मिल सकता है और आपको कालकी का फर्स्ट सॉन्ग कब देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कालकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। फ्रेंड, ये न्यूज अब आप ऑलमोस्ट 90% ऑफिशियली कंफर्म ही समझ लें कि कालकी का फर्स्ट सॉन्ग आपको 15 मई को देखने को मिल सकता है। यस फ्रेंड्स, कालकी का फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट सिंगल आपको 15 मई वाले दिन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक चीज माननी पड़ेगी कि जिन मूवीज का सॉन्ग आता है मूवी से पहले, अगर वो चार्ट बस्टर और एपिक ब्लॉक बस्टर हो जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र की बार के सरिया सॉन्ग हुआ था, पठान की बार जो फर्स्ट सॉन्ग था बेशरम रंग, तो अगर इतना इट एक सॉन्ग हो जाए तो मूवी का बस भी इसके साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस टाइम कालकी के सॉन्ग से भी। अब ये प्रभास सरना और दिशा पटानी का जो रोमांटिक सॉन्ग इटली में शूट हुआ है, ये वो सॉन्ग आएगा या कोई और सॉन्ग आएगा, ये आई थिंक हमें आने वाले फ्यू डेज में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया फर्स्ट सिंगल की रिलीज डेट, लेकिन अभी से आज से लेकर 15 मई के बीच में जो दिन है 5-6, हो सकता है इसमें आपको भैरवा का एटलीस्ट एक पोस्टर देखने को मिल जाए। इंट्रो सीन तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक पोस्टर एटलीस्ट आपको देखने को मिल जाए। फ्रेंड, आपने बात यूं समझनी है कि 15 मई से लेकर 20 जून आप ले लें मूवी की रिलीज से एक हफ्ता पहले, ये जो बीच में 4-5 वीक्स हैं, आपको हर वीक में एक कंटेंट कालकी का शेयर होता दिखाई देगा। उसी में भैरवा इंट्रो सीन भी आएगा, 15 को इसका फर्स्ट सिंगल भी आएगा, फिर मच वेटेड ट्रेलर भी आएगा और दीपिका पादुकोण का भी इंट्रो सीन इस सब में आएगा। तो भाई साहब, कमाल की प्रमोशन आपको कालकी की होती दिखाई देगी। और जो डिफरेंट सिटीज में इनके टूर होने हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इन्होंने जाना है, वो भी आप देखेंगे मई के लास्ट वीक में सारा काम स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कोई मामूली मूवी नहीं है जिसे थोड़ी सी प्रमोशन करके इसे रिलीज कर दिया जाए। अगर इस मूवी का कंटेंट क्लिक कर किया, अगर ये लार्जर ऑडियंस तक की मूवी पहुंच गई, तो इंडियन सिनेमा लिटरली आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आपको कितना एक्साइटेड आप कालकी का अपकमिंग कंटेंट को लेके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।